पीथमपुर, सनसनीखेज वारदात, दो युवकों की पीट पीट कर हत्या। गौरतलब है कि पीथमपुर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थित मिशन फार्मा बंद पड़ी दवाई कंपनी में बीती रात चोरी की नियत से घुसे करीब 7 चोरों से फैक्ट्री में तैनात सुरक्षाकर्मियों और चोरों के बीच संघर्ष हो गया। संघर्ष में कंपनी में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर बड़ी बेरहमी से दो युवकों की हत्या कर दी, जबकि अन्य युवक मौके से फरार हो गए। जिन दो युवकों की मौत हुई उनमें से एक नाबालिग बताया जा रहा है। अतुल भिल उम्र 17 वर्ष और उसका साथी रोशन भील उम्र 23 वर्ष पीथमपुर। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक बंद पड़ी कंपनी में 5-7 युवक चोरी की नियत से कंपनी परिसर में घुसे थे, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया और मार पिटाई की, जिसमें से दो युवकों की मौत हो गई। और वहीं पूरे मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। देखने में समझ में आया है कि ये 5-7 लड़के जो है इस फैक्ट्री में घुसे थे चोरी करने के लिए, और गार्ड द्वारा उनको उनमें से दो लड़कों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनके साथ मारपीट की, जिसमें दो लोगों की डेथ हो गई है। अभी पुलिस प्रकरण की विवेचना कर रही है और आगे जिस हिसाब से फैक्ट्स आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की। कुछ आरोपी के परिजनों का आरोप है कि पुलिस को हमने जो है रात में सूचना दी थी लेकिन हमें बराबर कॉपरेट नहीं किया गया, क्योंकि जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली थी पुलिस इस जॉब पे लग गई है और इसमें जल्दी ही आरोपियों को और आगे की जो कार्रवाई है। सर इसमें क्या चोरी की नियति आ रही है स्पष्ट? देखिए अभी मामला इन्वेस्टिगेशन में है और इसमें जैसे आगे फैक्ट्स क्लियर होंगे उस प्रकार से कार्रवाई। ठीक।